शब्द को नहीं पता किस बारे में मुझे भी मुझे लगा कि ऐसा सवाल किया नहीं अंदर क्या हुआ सर मतलब उसके बाद अंदर क्या हमें तो पता ही था इस पर जो जिस तरह से बातें हैं और म्यूजिक को लेकर लोगों का रिएक्शन जिनसे अगर आपके ऑनलाइन बातें हुई हो तो वैसे रिएक्शन कुछ कैसे सामने आज हमारी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च है सो वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एंड आज मन कर रहा है बट कुछ नहीं बोलूंगा बोलो ना नहीं नहीं बिल्कुल इट्स ओके अगले सवाल पे जवाब अगले अब बोल दो नहीं नहीं तो हैदर का म्यूजिक सब सुन पाएंगे आज से एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एल्बम एज इट इज एन एक्साइटिंग फिल्म तो सॉरी अभी शायद आप जी बताइए जी आप कुछ बोल रहे थे श्रद्धा नहीं नहीं कुछ नहीं वो हमारे बीच में हो गई बात आवला सॉन्ग की बात चले बहुत पसंद किया जा रहा है और गाना म्यूजिक कंपनी को थोड़ा डिफरेंट और शायद आपका डांस बाकी डांस से काफी अलग है आवला में बात क्या आप कहेंगे इस बात एक तो आवना में शाहिद ने डांस नहीं किया शाहिद ने बिस्मिल में डांस किया बट आवना एक हेमलेट में ग्रेव डिगर्स के बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे हैदर में भी हैं तो ये ग्रेव डिगर्स का गाना है जो कि बहुत ही फेमस सिचुएशन है हेमलेट प्ले के अंदर तो
तो जब ये गाना हमने फिल्म के लिए किया तो जो कैरेक्टर्स हैं जो कि कश्मीरी एक्टर्स को हमने लिया है उन लोगों ने ही वहाँ पर गाया था, पर ये मेलेडी हम सबको इतना असर किया कि हमारा मन किया कि इसका एक और इंटरप्रिटेशन हमको इसका एक्सप्लोर करना चाहिए, तो इसलिए इसका एक रॉक वर्जन बनाया जो इसको बैकग्राउंड स्कोर में यूज़ किया गया। जी जी यस जी, बहुत एसेंशियल था कि हैदर शाहिद की तरह नहीं डांस करे, बहुत इंपॉर्टेंट था कि हैदर की अपनी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और अगर परफॉर्मेंस भी करना है और डांस भी करना है तो उसको अपने तरीके से करना है। तो एक बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर हैं सुदेश, जिन्होंने विशाल सर के साथ एक ओपेरा किया है, वो नॉर्वे से हैं, और विशाल सर ने जब ये गाना कंपोज किया तो उनके माइंड में बहुत क्लियर था उसी वक्त से कि वो चाहते थे कि सुदेश इस गाने को कोरियोग्राफ करें, बिकॉज उनका डांस स्टाइल बहुत अलग है और उनका डांस स्टाइल जो है कोरियोग्राफी से ज़्यादा परफॉर्मेंस ड्रिवन है। और ये गाना ऐसी सिचुएशन में आता है जब हैदर बहुत इमोशनली अपसेट है, तो गाने का इमोशन जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, सिर्फ स्टेप्स करना ज़रूरी नहीं था, उसकी जो एंग्स्ट है, जो फीलिंग है, जो उसके अंदर जो गुस्सा है वो किस तरह से कोरियोग्राफी के थ्रू कम्युनिकेट होगा, इस वजह से सुदेश जो है उनको इस गाने के लिए कोरियोग्राफ करने के लिए लिया गया। और मेरे करियर में वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स आई वुड से है बिस्मिल, प्रॉबली मेरे पूरे करियर में इज़ द बेस्ट शॉट सॉन्ग, जितना अच्छा शूट हुआ है और जिस लोकेशन में हम लोगों ने शूट किया है, जिस तरह के एलिमेंट्स गाने के अंदर यूज़ किए गए हैं, चाहे वो फेस पेंट जो वॉर पेंट का इंटरप्रिटेशन होता है, जब व्हेन पीपल गो टू वॉर दे पुट पेंट ऑन देयर फेस, यू नो, या अगर आप सॉकर मैचेस देखें तो अपने अपने कंट्री का फ्लैग लोग लगाते हैं अपने फेस के ऊपर, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक शोइंग योर सपोर्ट, तो उस चीज़ को यूज़ किया गया है बिस्मिल के अंदर। वी यूज पपेट्स, कुछ 100 feet हाई पपेट्स हैं जिन्हें यूज़ किया गया है, जो मैंने कभी किसी गाने के अंदर ऐसे पहले नहीं देखा। और जिस जगह पे हम लोग शूट कर रहे थे, इट्स कॉल्ड सन टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत जगह है, वी हैड अबाउट 5,000-6,000 पीपल जो हमारे साथ रोज़ शूटिंग पे आते थे, और शूटिंग बिल्कुल ऐसे कोने में बैठ के पूरी शूटिंग देखा करते थे, तो इट वॉज़ जेन्युइनली अमेजिंग टू परफॉर्म उस तरह की जगह पे, उस तरह की लोकेशन में, कोरियोग्राफी को एक इमोशनल तरीके से एज अ कैरेक्टर कर पाना डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है। गाना बहुत ही अच्छा है, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, और गाने से ज़्यादा आई थिंक वो एक कहानी है, जैसे मुझे हमेशा वो कर्ज का गाना याद आता है, यू नो, एक हसीना थी, उसके अंदर सिर्फ गाना नहीं है, उसके अंदर ही इज़ टेलिंग अ स्टोरी एंड द स्टोरी इज़ मूविंग फॉरवर्ड, तो ये उस टाइप की सिचुएशन है और उस टाइप का गाना है। तो आई रियली लव द सॉन्ग एंड इट्स लाइक आई सेड प्रोबेबली द बेस्ट शॉर्ट सॉन्ग इन माय करियर। उससे पहले मैं बिस्मिल के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि बिस्मिल जहाँ पे हमने शूट किया वो सन टेम्पल है, और जब मैंने गुलजार साहब को गाना दिखाया तो उन्होंने विद इन 20 seconds वो रोक के पूछा कि ये क्या ये मटन गांव का सन टेम्पल है कश्मीर में, एंड आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने कैसे पूछा। तब उन्होंने बताया कि 30 साल पहले उन्होंने वहीं पे तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, रियली मैं कभी बात किसी से शेयर ही नहीं कर पाया। आप देखिए अभी भी वो टेम्पल वैसा ही है जैसे 30 साल पहले था, सिर्फ कुछ बोल्डर्स वगैरह काम है, पर पूरा वो जहाँ वो है ना कि ये आयते पढ़ना सब उस टेम्पल में, तो उन्होंने स्नो में शूट किया था। फिर श्रद्धा बहुत खूबसूरत है, और श्रद्धा बहुत ही खूबसूरत गाती है, और बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है ये कि इतना अच्छा गाती है, और इसमें भी इसने एक गाना गाया है जो कि कश्मीरी फोक है, और वो गाना आप जब फिल्म में देखेंगे वो इस मोमेंट पे इतने खूबसूरत मोमेंट पे आता है वो फिल्म में, और इमोशनली इट रियली आपको हिट करता है वो, और मोर क्योंकि उसमें सिर्फ श्रद्धा सिर्फ गा रही है और एक स्वेटर उधेड़ रही है, बाकी लोग बात कर रहे हैं, बट शी इज जस्ट लुकिंग इन टू नो वेयर एंड सिंगिंग दैट सॉन्ग, उसका इतना इमोशनल इम्पैक्ट है, रीजन कि वो इतना खूबसूरत गा रही है उसमें। आपको ऐसा लगता है कि ये भी अब एक लकी चार्म हो गया आपके लिए सिंगिंग, बिकॉज ये भी 100 crore club पार कर लेगी है।
वेल, मैं खुद को लकी मानती हूँ कि विशाल सर की फिल्म का हिस्सा हूँ मैं. एक तो ये पता नहीं लोगों को कितना टाइम वेट करना पड़ता है ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए, और मुझे विशाल सर ने ये अपॉर्चुनिटी दे दी. तो अभी भी मतलब जब मैं उठती तो मुझे यकीन नहीं होता. मैं खुद को रोज कहती हूँ कि तुम बहुत लकी हो और इसको हमेशा चेरिश करती रहो. बट और ये पहली बार एक्चुअली मैं एक इंटेंस रोल भी प्ले कर रही हूँ, तो उससे भी बहुत एक्साइटेड हूँ. अर्शिया का जो कैरेक्टर है वो उसकी भी कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस है और ज़्यादा इंटेंस कैरेक्टर है, तो उससे भी मतलब इट्स द फर्स्ट टाइम पीपल विल बी सीइंग मी इन समथिंग लाइक दिस. असाइड फ्रॉम द फैक्ट कि एक्सटीरियर भी मतलब जो लुक भी है वो इतना अलग है, कैरेक्टर भी इतना अलग है, तो खुद को देख के ऐसे महसूस हो रहा है कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है फ्रॉम व्हाट आई हैव डन अर्लियर. तो आई होप कि पीपल लाइक दैट.